हेलो व्हाट्सएप गाइस मैंने विनोद पादू थापा एंड वेलकम टू हंड्रेड डेज ऑफ जाक्रिप्ट जहाँ गाइस तो हंड्रेड डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट में हम जावास्क्रिप्ट सीख नहीं रहे हम ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट सीख चुके हैं मेरे ऑसम awesome कोर्स अगर आप देखोगे यहाँ पे लाइक कंप्लीट जेस कोर्स पार्ट वन एंड पार्ट टू में एंड हमने ई कॉमर्स मेगा वेबसाइट भी बना चुका है यहाँ पे आप देख ही सकते हो है ना तो कल का दिन हमने ऑलरेडी देख चुका है डे वन सो इट्स डे टू एंड आज हमें देखना हैस्ट टैग जनरेटर तो बिना किसी देर का हम मीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले

एंड कॉन्केटिनेटेड टूगेदर विदआउट अ स्पेस तो जितने भी स्ट्रिंग है उन सबको हमें कॉन्केट करना है एंड जितने भी इंडिविजुअल वर्ड्स है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको हमें कैपिटल में करना है सो so, आप देख सकते हो कि कुछ उसका आउटपुट ऐसा आना चाहिए लाइक दिस इज द लाइक फंक्शन जिसमें मैंने क्या लिखा है माई नेम इज थापा टेक्निकल एंड आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे स्पेस है राइट एंड देन ये जो uh, एक एक फर्स्ट फर्स्ट जो लेटर है वो सबकी स्मॉल है बट जब हम इसका एक्चुअल में आउटपुट निकालेंगे देन इट सुड लुक लाइक दिस माई एम कैपिटल है एन कैपिटल है आई टी टी कैपिटल है एंड इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है एंड देन हम एक हैश टैग यहाँ पर ऐड कर रहे सो so यही है इसका आज हमारा मेन मकसद तो गाइस यहाँ पे भी वही बताया है एक सेकेंड एक और चीज़ है यहाँ पे एंड दैट इज़ कि 280 सौ कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड लीडिंग एंड देन ट्रोलिंग जो वाइट स्पेस है वो भी नहीं होना चाहिए अगर ऐसा कुछ होता है देन गाइस रिटर्न फॉल्स कर दो मतलब निकलो अदरवाइज द फंक्शन शुड रिटर्न द जनरेटेड हैश टैग रिफिक्सड विथ हैश टैग ऑबियसली मैंने ये तो बताया था आपको प्रीफिक्स लगाना ही पड़ेगा बेसिकली इस स्टार्टिंग में हैशटैग आपको ऐड करना है सो नाउ गाइस अगेन इट्स योर ऑसम चांस टू चेक योर जस्ट नॉलेज सो गाइस प्लीज़ पॉज द वीडियो ये आप ही की भलाई के लिए मैं बोलो वीडियो को पॉज करो सोचो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कैसे मैं इनको कॉन्कैट करूँ कैसे हैशटैग को प्रीफिक्स करूँ कैसे हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को मैं कैपिटल करूँ आप सोचिए इसको स्टेप बाय स्टेप कीजिए एंड जब तक आपसे प्रैक्टिस नहीं होता गाइस कीप प्रैक्टिसिंग एंड अगर फिर भी नहीं होता तब आप वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा एल्स मैं रिकमेंड करना चाहूँगा प्लीज़ आप इस एक बार इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए इसमें स्ट्रिंग्स वाला जो टॉप चैप्टर्स है उस पर जाइए एंड चेकआउट कीजिए कि की स्ट्रिंग को हम कॉन्केट कैसे कर सकते हैं एंड उसके साथ हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं उसके वर्ड्स को ठीक है और राइट right, तो हम यहाँ पर चलते हैं तो सबसे पहले तो मुझे ये जो फंक्शन है उसको डिफाइन करना है राइट सो इट्स अ कॉन्स्ट जनरेटेड नहीं ये जनरेटेड का है ठीक है सो so, हमें ऑलरेडी एक स्ट्रिंग दी गई है ठीक है वी हैव वन स्ट्रिंग ये आपके पैरामीटर हो गया। जिसमें 280 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए so, सो स्ट्रिंग की जो लेंथ है एल ई एन जी टी एच ये इफ इट इज़ ग्रेटर देन 280। और अगर ये जो स्ट्रिंग इस है इसको अगर हमने ट्रिम कर दिया इसका वाइट स्पेस निकाल के एंड उसकी जो लेंथ है uh, एक सेकेंड या ट्रिपल इक्वल टू अगर जीरो होती मतलब दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गया देन वी नीट टू रिटर्न वॉल्टी नीड टू रिटर्न फॉल्ट सिंपल इसमें तो कुछ ऐसा हाईफाई था नहीं ये ये प्रोग्राम भी कोई इतना हाईफाई नहीं है बट हाँ फिर भी आ, अच्छा ये बेसिक वालों के लिए बेस्ट है जिसमें अब आपको ये सोचना है कि चलो वो बेसिकली लेंथ दो सौ अस्सी से बड़ा ना हो और हम ट्रिम करके निकाल दिए तो हो गया था लेकिन अब मैं इनको कैसे कॉन्केट करूँ है ना एंड ये फर्स्ट लेटर को मैं कैसे आप कह सकते हो कि लाइक like कैपिटल में कर दूँ एंड द थिंग इज कि अगर ये प्लेन स्ट्रिंग में रहेगा तो क्या इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट लेकिन हाँ किसी तरीके से अगर इसको मैं फिर से जो हमने डे वन में किया था अगर इसको मैं एरे में कन्वर्ट कर दूँ तो शायद कुछ हो सकता है क्योंकि अगर मैंने द मोमेंट एरे में इसको कन्वर्ट कर दी तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें है जिसकी मदद मतलब से इसका मैं फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर सकता हूँ एंड एट द एंड में उस एर को मैं वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा एट द एंड तो मुझे रिजल्ट ये चाहिए ना ये थोड़ी बोला कि इसी को ही भाई स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के थ्रू ही करो ऐसा तो कुछ है नहीं राइट right? यही तो क्रिएटिविटी है ना कि आपको हट के सोचना है जबकि हम बेसिक करें बट फिर भी तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सो वी हैव एस टी आर विल बी कॉर्ड टू लाइक एस टी आर डॉट स्प्लिट एंड ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको एक स्पेस देना है जिससे आपका ये जो स्प्लिट है वो बराबर हो जाए अब अगर इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे मैं हटाता हूँ चलाता तो अब आप देख सकते हो बहुत परफेक्टली जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है ना अब ये अलग अलग हो गया अब तो बहुत ज़्यादा ईजी है कि मैं हर एक एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर उसको मैं बहुत ईजीली क्या कर सकता हूँ कैपिटल में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्योंकि वी हैव वन मेथड टू अपर केस है ना फॉर एग्जाम्पल जैसे एस टी आर ऑफ लेट्स से माई नेम नेम क्या है सेकेंड पोजिशन पे बट उसका जो इंडेक्स नंबर इट विल बी वन है ना तो एस टी आर ऑफ वन डॉट टू अपर केस एंड आई नो पी ट्रिपल हो गया यहाँ पे कंडोल एस सेव इसको मैं रन करता हूँ इसको मैं हटाता हूँ इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ फिर से या yeah, सी आप देख सकते एक सेकेंड या yeah. आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि पूरा का पूरा नेम कैपिटल हो गया बट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था खाली जो फर्स्ट लेटर है जो सिर्फ अपना फ़र्स्ट लेटर है सिर्फ मुझे उसको कैपिटल करना था लेकिन एटलीस्ट ये तो आपको पता चल गया कि मैं अब इंडिविजुअली टारगेट कर सकता हूँ एंड जो भी टैक्स उसको मैं कैपिटल कर सकता हूँ इतना तो आपको पता चल गया है ना तो अब बस हमें ये दिमाग लगाना है कि ये अगर मैं इंडिविजुअल करूँगा तो कैसे का काम आएगा नहीं है ना लाइक एस टी आर है ना फिर एस टी आर तो वो तो काम आएगा नहीं हम यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं राइट right, कि एक साथ में सबको कर सकूं एंड व्हेन इट कम्स टू लाइक एक साथ वाली बातें एक साथ सबको लेके चलना देन हमें लूप चलाना पड़ेगा अब एरे को अगर हमें लूप चलाना हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं हमारे पास फॉर ऑफ लूप है फॉर इच लूप है मैप मेथड है फिल्टर है बट हाँ हम फॉर इच या फॉर बेसिकली uh, मैप के साथ जा सकते लेकिन अगर ईच हम यूज़ करते तो हम उसमें वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते बट यहाँ पे मुझे रिटर्न करना है जरूरी क्योंकि एरे को मुझे बाद में जाके स्ट्रिंग में भी तो कन्वर्ट करना है तो बचा हमारे पास मैप मेथड ठीक है तो इसको मैं हटाता तो इसको डिलीट कर देता हूँ ठीक है so सो ये तो एक मेरा स्ट्रिंग बन चुका है ना एस टी आर विल बी एस टी आर डॉट मैप मेथड हेयर वी हैव अ करेंट एलिमेंट ठीक है ये आपका फैट एरो फंक्शन होगा यहाँ पे इस तरीके से चलो ठीक है अब ध्यान से देखना हा मुझे एक वर्ड का सिर्फ फर्स्ट लेटर को कन्वर्ट करना है इनटू अपर केस सो अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड देन मैं अगर करंट एलिमेंट कर दूँ एक सेकेंड या दिस इज इट है ना तो ध्यान से देखना क्या होता है इसको क्लीन करता कंट्रोल से तो ये देखो मुझे इंडिविजुअली माय नेम इस थापा टेक्निकल आ रहा है अब ध्यान से देखना अब गाइस मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसका भी मैं जीरो कर रहा हूँ ठीक <laughs> है मैंने क्या कर दी इंडेक्स ऑफ जीरो लेट्स सी इसको मैं क्लीन uh, करता हूँ एंड देन रन करता हूँ एंड बूम गाइस सी ये देखिए जरा माई नेम इज थापा टेक्निकल अब आप हैरान हो गए होंगे अरे ये तो स्ट्रिंग था ये कैसे हो गया तो गाइस हम स्ट्रिंग को भी इंडेक्स नंबर की मदद से इस तरीके से उसको हम जो uh, उसके जितने भी लेटर्स है उसको हम कॉल कर सकते हैं राइट एंड डैट्स वाई आपका इन जावास्क्रिप्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट यू आर लाइक एर इज एन ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट बिकॉज हम इस तरीके से इंडेक्सेस यूज कर सकते हैं हम उसमें फॉर अप लूप यूज कर सकते हैं समझ रहे हो मेरा काम हो गया दिस इज इट बस मैं क्या करूंगा इसकी मुझे बिल्कुल भी नीट नहीं अब ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ ठीक है इसको मैं हटा रहा आपको पता चल गया ना कि मैं फर्स्ट लेटर को कैसे गेट कर पा रहा हूँ देखना मेरा जो करेंट एलिमेंट है वो पूरा एक वर्ड है डॉट मुझे रिप्लेस करना है ठीक है रिप्लेस के अंदर हमें किसको रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है मुझे मेरा करंट एलिमेंट में जो जीरो इंडेक्स पोजीशन पे है उसको मुझे रिप्लेस करना है मेरे करंट एलिमेंट पर जो जीरो इंडेक्स पोजीशन पे है लेकिन टू अपर केस वाले केस से आई I मीन mean इस तरीके से समझ रहे हो या दिस इज इट मेरा काम हो गया अब अगर मैं ये कर दूंगा ना तो मैंने क्या कि हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसको कन्वर्ट कर आई मीन रिप्लेस करो विद देयर कैपिटल uh, वाले से बट द थिंग इज अब अगर मैं रन करता हूँ क्लीन करके इसको रन सो so ये देखो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे क्यों क्योंकि मुझे ना ये जो एस टी आर इसको रिटर्न करना पड़ेगा इस तरीके से है ना एंड रिटर्न करने से uh, बात नहीं बनेगी पहले मैं कंसोल डॉट लॉग एस टी आर करके दिखाता हूँ आपको इसको फिलहाल अभी हटा दो ठीक है लेट्स सी मैं यहाँ पे चल रहा हूँ क्लीन यहाँ पे चलता हूँ एंड दिस इज़ इट सी मेरा काम हो गया भाई ये देख लो आप माई नेम इज़ थापा टेक्निकल हो गया हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो चुका है यहाँ पर एंड हम मैप मेथड यूज़ कर रहे हैं इसलिए ये हो गया ठीक है इसको करने के और भी तरीके थे बट ये मेरा काम हो गया ना वॉट आई नीड टू डू कि मुझे अब इनको कॉन्केट करना है एक साथ ठीक है तो मैं कैसे कर सकता देखो य सिंपल है हाँ आप कभी भी आप स्क्रिप्ट सीखोगे एस टी आर डॉट स्प्लिट उसको वापस लाइक like, इस एरे टू स्ट्रिंग का हो तो एस टी आर डॉट ज्वाइन यही है यही दो है इसी में दुनिया चल रही है सो so, मैं ये क्या करता हूँ एस टी आर डॉट मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ ज्वाइन है ना अब इसको मैं यहाँ पर कंसोल करता हूँ मैं जानबूझ के एक कंसोल करके आपको दिखाता हूँ ताकि ये देखो माई था आई मीन माई थावा बोल रहा हूँ फिर माई नेम मीस थापा टेक्निकल हो गया बट यहाँ पे अभी भी कॉमा है तो अब मुझे वो कॉमा नहीं चाहिए गाइस एंड बाई डिफॉल्ट हमें कॉमा मिलता है लेकिन मैं क्या बोलूंगा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मैंने एक एम्टी स्ट्रिंग दे दी इट मीन्स मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अब अगर इसको मैं रन करूँगा इसको क्लीन करके वंस अगेन रन ये देखो मेरा काम हो गया मेरा काम हो गया जो मुझे चाहिए था वो कॉन्केट भी हो गई है हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल हो गया नाउ आई नीड टू प्री एट डैट हैश टैग एकदम स्टार्टिंग में है ना तो वो अब मैं क्या करूँगा मैं मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकता हूँ इट्स लाइक कि इसको मैं अगर बैगटिक यूज़ कर दूँ है न बैगटिक यहाँ पे डॉलर कली ब्रेसेस एंड यहाँ पे खाली मुझे हैश टैग यू तो ऐड करना है हो गया मेरा काम तो अब यही जो है इसको मुझे अब रिटर्न करना है अब तो अब दो दो आउटपुट आएगा मुझे इसको क्लीन कर देता हूँ तो अब आप देख लीजिए मेरा काम एक सेकेंड सो गाइस अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये देखो दो दो और आ रहा है क्योंकि एक तो कंसोल कर रहा हो तो आपको टेंशन नहीं लेना बट ये वाला जो है ये तो मेरा यही यही तो मुझे चाहिए था ना माई नेम इज थापा टेक्निकल एंड आगे हैश टैग दिस इज इट सो या गाइस ये था आपका गाइस हैश टैग जनरेटर लेकिन इसको करने के एक और तरीके ये था कि ये जो आपका करंट एलिमेंट है इसको मैं हटा रहा हूँ थोड़ी देर ये जो करंट एलिमेंट है इसको आप एक और तरीके से कर सकते थे याद है कि करंट एलिमेंट डॉट एट सॉरी कैरेक्टर एट ये हमारे पास एक मेथड है जिसमें जो भी जीरो इंडेक्स पोजिशन पर होगा उसको गाइस से मुझे आ, टू अपर केस करना होगा ठीक है अगर सिर्फ आप इतना करते थे ठीक है एंड अगर इसको मैं रन करता हूँ इसको मैं हटा रहा हूँ तो अब आप देखो मुझे क्या आ रहा है मुझे सिर्फ हैश टैग एम एन आई टी टी तो मतलब हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो गया नहीं हैश टैग एड हो गया लेकिन भाई बाकी के वर्ड्स कहाँ गए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे गाइस आपको करना पड़ेगा एंड अब आप एक बताओ कि मुझे स्ट्रिंग में या बेसिकली एरे में है ना फर्स्ट लेटर को छोड़ के बाकी रिमेनिंग सेक sec, जो सेकेंड लेटर से पूरा मेरे को जो भी मेरे वर्ड्स कैरेक्टर है सब चाहिए हम क्या कर सकते हैं सोचो यही तो है ना लाइक like, तभी आपका लॉजिक बिल्ड होगा कि हम ऑलरेडी ये कैरेक्टर एट right हमने पढ़ा है अपर केस हमने पढ़ा है रिप्लेस भी हमने पढ़ा ही था स्प्लिट भी हमने पढ़ा था मैप भी हमने पढ़ा था ज्वाइन भी हमने पढ़ा था ये टेम्पलेट लेटर भी हमने पढ़ा था अभी भी अगर आपको डाउट आता है इतना पढ़ने के बाद भी मैं फिर से चाहूँगा आप इस वीडियो को एक बार बस देखिए और आपको सिर्फ देख के जो भी मैंने पढ़ा है उसको बस समझना है उसके पीछे का लॉजिक अच्छा है इससे ये होता है अभी मैंने आपसे क्या बोला अब आपको लॉजिक ये लगाना है कि जैसे मेरा ये नेम है ठीक है इससे क्या हो गया वो एन कैपिटल हो गया और ये जो ए एम ई है वो मुझे नहीं मिला तो मुझे अब ए एम ई चाहिए खाली वो मैं कैसे ला सकता हूँ आपको याद है गाइस कि स्ट्रिंग में वी हैव समथिंग कॉल्ड स्लाइस या स्प्लाइस इन दोनों के बीच में भी अब आप आपको समझना पड़ेगा स्लाइस मीन्स टू गेट टुगेदर स्लाइस मीन्स आप काट रहे हो हमें यहाँ पे क्या करना है हमें काटना है तो इट्स अ स्लाइस है ना अब मैं डायरेक्टली स्लाइस तो लिख नहीं सकता करंट एलिमेंट डॉट स्लाइस और मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे स्लाइस दे दो आफ्टर वन वन मतलब उसका बेसिकली इंडेक्स नंबर जीरो एंड देन वन वन से लेके बाकी सब मुझे दे दो मैं पूरा खा लूँगा तो मैंने बीच में कॉन्क्रेट कर दी है अगर ये मैं करता हूँ या दिस इज़ इट सी हो गया मैंने दो तरीके से आपको करके दिखाया आप इसको कैसे कर सकते हो मैं हर एक वीडियो में दो नहीं करूंगा बट जब जब मुझे लगेगा दो तो मैं बता दूंगा तो भैया मेरा काम हो गया सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिखना ही होप आपको वीडियो पसंद आगेगा ये दोनों तरीके के अलावा अगर आपने थर्ड तरीके से की थी सो गाइस लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन एंड अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन हो प्लीज़ आप वो भी कमेंट कर दीजिए तो मैं गाइस उसके ऊपर भी जरूर वीडियो अपलोड करूंगा ठीक है या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के इतना ही बताना चाहूंगा गाइस ये जो जास्कट वर्ल्ड बेस्ट कोर्स है उसको चेकआउट कीजिएगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा बहुत जल्द रिएक्ट सीरीज आने वाला मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टे दंगाइस थैंक यू सो मच टेक केयर